बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब नासर। जी डी इंटरनेशनल एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट लिख लेंगे सॉल्यूशन में। तो एल प्लस एम, एल माइनस एम, एल स्क्वायर, एम स्क्वायर, एम फोर। अब यहाँ पर फार्मूला जो यूज़ होना है वो फार्मूला लिखते हैं जी। तो यहाँ पर अगर याद रखें कि अगर हमारे पास a प्लस बी, ए माइनस बी इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो हम उसको लिखते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। कैसे? अब यहाँ पर देखें, फर्स्ट टू जो फैक्टर आपको नज़र आ रहे हैं, इधर l प्लस एम है, ये भी एक्सप्रेशन, ये भी देखें l प्लस एम है, ये l माइनस एम है। तो यहाँ पर देखें a प्लस बी और a माइनस बी वाला सीन बन रहा है, इसमें क्या होता है, पहले का स्क्वेयर माइनस दूसरे का स्क्वेयर। तो यहाँ पर l का स्क्वेयर और m का स्क्वेयर, बाकी सारे हम वैसे लिख लेते हैं जिसमें एक्सप्रेशन है, इनको हमने वैसे लिख दिया। नेक्स्ट, फिर ध्यान दें, इधर एल स्क्वेयर है माइनस एम स्क्वेयर है, एल स्क्वेयर प्लस एम, बीच में सिर्फ साइन का डिफरेंस, साइन का डिफरेंस हो और नंबर एलिमेंट वही हो तो फिर हम उसको स्क्वेयर में लिख लेते हैं। तो यहाँ इसका स्क्वेयर तो पहले ही है, लेकिन जब स्क्वेयर हो तो फिर गेन स्क्वेयर करेंगे कि हम स्क्वेयर इस एल स्क्वेयर को पूरे को ए मानेंगे ना, एम स्क्वेयर को पूरे को बी मानेंगे। तो फर्स्ट का स्क्वेयर मतलब इस पूरे का स्क्वेयर माइनस सेकेंड का स्क्वेयर तो इस पूरे का स्क्वेयर, ये आ गया। और लास्ट में हमारे पास रह गया एल फोर एम फोर आ गया। नेक्स्ट, पावर की जब पावर आती है तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, टू टू फोर, यहाँ पर एम फोर आ जाते, ये आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखें एल फोर माइनस एम फोर है, यहाँ एल फोर प्लस एम फोर है, यहाँ ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है क्योंकि इधर माइनस का सिर्फ डिफरेंस है, बाकी फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट सारा के सारा लिखें उसकी पावर टू लेंगे ले, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक हो गया। फिर सेकंड सारे का सारा लिखें और पावर टू बना लें। तो यहाँ पर पावर की जब पावर थी, पावर मल्टीपल थी, फोर टू आर एट। नेक्स्ट, फोर टू आर एट, तो हमारे पास इसका फाइनल जो आंसर आया वो एल एट माइनस एम एट आ गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। मुझे उम्मीद है सब बच्चों को इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।